फ्रेंड्स, वेलकम टू richagandhi.in। आज हम मिलते हैं एक और नई क्लास में, और अब तक की सारी क्लास की आपने अच्छे से देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। इसमें मैं आपके लिए कुछ और नया लाई हूँ। इसमें आपको कर्व शेप की, मतलब हाफ सर्कल हम बोले, कर्व शेप बोलो, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें मेजरमेंट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हुए सबसे पहले मैं जो हमारा बैंगल पार्ट है वहाँ पे बैंगल स्टाइल जैसा बना रही हूँ। तो बैंगल स्टाइल जैसा बनाने के लिए, इसको हम बैंगल स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन भी बोल सकते हैं और कर्व शेप मेहंदी डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैशअप है इसमें, मतलब दोनों का मिश्रण है इसमें। तो सबसे पहले मैं हमारा जो बैंगल्स का पार्ट रहता है वहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़े कर्व शेप में ही बना रही हूँ। ये लाइन भी बैंगल्स जैसा दिखेगा पर बैंगल्स नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। थोड़े गैप पे एक और बना दूंगी लाइन। ओके, ये हमारा बन गया है। अब मैं यहाँ पे अंदर की ओर एक लाइन बना देती हूँ, फिर यहाँ पे यू शेप डिज़ाइन। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे ऊपर की ओर एक स्पाइरल बनाएंगे मिडल में, फिर उसके आसपास यू शेप डिज़ाइन, फिर उसके आसपास सी शेप वाला फ्लावर, ठीक है। फिर हम इसकी आसपास की जगह को फिल कर लेंगे। उसके लिए मैं मैंगो का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इधर तीन ऐसे लाइन बनाऊंगी, फिर यहाँ से मैं दूसरी एक मैंगो बना लूंगी, और यहाँ पे भी डॉट बना के लाइंस बना लूंगी। तो इस तरह से बहुत ही क्विक और फटाफट से हम ये बना सकते हैं। फिर अब करती हूँ इसके अंदर फिलिंग। तो इसके अंदर मैं स्पाइरल ले रही हूँ फिलिंग में, आप कोई और फिलिंग भी इसमें ले सकते हो। फिर दूसरी साइड पे हम कुछ न्यू लेते हुए डॉट और लाइन, ऐसा ले लेंगे। ओके, और ये जो फ्लावर हमने बनाया है इसमें हम कुछ फिल नहीं करते, क्योंकि आसपास सब जगह पे हमने बहुत ही फिल कर लिया है। फिर हम यहाँ पे भी एक लाइन बना लेंगे। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे चेक्स बनाएंगे, और चेक्स में यहाँ पे जिगजैग लाइन से बना रही हूँ, और लाइंस टेढ़ी ले रही हूँ। आप सीधी भी लेना चाहो तो ले सकते हो, और मैं यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी लाइंस के ऊपर, टेढ़ी लाइन और जिगजैग दोनों का मैंने यहाँ पे कॉम्बो किया है। तो इस तरह से हमारी ये चेक्स बन गई है। अब हम इस चेक्स के अंदर दो तीन डिज़ाइंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल से डॉट ले रही हूँ। आप इसके अंदर स्पाइरल भी कर सकते हैं, या फिर ये चारों कोनों में डॉट्स बना सकते हैं। चेक्स की अलग अलग फिलिंग्स कैसे करते हैं वो मैंने मेरी बहुत सारी वर्कशीट में अलग अलग तरीक़ों से दिखाया हुआ है, तो अब मेरी वर्कशीट को आप ध्यान से देख सकते हैं फिर से, उसमें से भी आपको न्यू डिज़ाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब बढ़ती हूँ आगे। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कर्व शेप, जिसको जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कर्व शेप लेते हुए सबसे पहले मैं बाहर का एक कर्व शेप ले लेती हूँ, जो ये वाली लाइन को टच करके जाएगा, और मैं बहुत ही हल्के से लूँगी, जिससे मुझे वो मेज़रमेंट आ जाएगा। और मुझे कर्व शेप यहाँ पे फर्स्ट फिंगर जो स्टार्ट होती है वहाँ तक ही लेना है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रख करके भी बनाऊंगी।
ओके, तो ये मेरा बन गया है। ये मेरी मैंने हल्के से इसीलिए बनाया था। ये जो पार्ट है वो अगर हाथों में है तो ऐसे करते ही क्लीन हो जाएगा, और ये नहीं हुआ है उसको भी हम कवर कर लेंगे मेहंदी डिजाइन्स में। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है पहले मैं उसको डार्क बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है हमें, एक पतली लाइन जैसा ही बनाना है हमें। ओके, ये हमारा हो गया है। फिर हम यहाँ पे अंदर की ओर एक डार्क लाइन बना लेंगे। हो गया, ये हमारा रेडी। अब अंदर की ओर से हम पहले पूरा फिल कर लेते हैं, फिर बाहर की ओर का फिलिंग लेते हैं। तो अंदर की ओर फिल करते हुए थोड़ा गैप करके मैं फिर से कव शेप ही बना लूँगी, और ये कव शेप हमारा थंब कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक टच करेगा, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने ये बना लिया। ओके, फिर हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हैं जो आपको मैंने सिखाई हुई है बहुत बार, वो ये है। क्या करते हैं हम इसमें, इसको हम लेफ्ट और राइट साइड में लेंगे इसका मुंह। तो सबसे पहले हम सी बना लेते, फिर आगे की ओर से दूसरी छोटी लाइन करके उसको कर्व शेप में करके जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, आपको पूरा एक साथ जमे तो आप उस हिसाब से बनाएं, और सी बना के जो मैंने बताया वैसे जमे तो उस हिसाब से बनाएं। जैसे जैसे कर्व होता जाएगा वैसे वैसे हम थोड़ी थोड़ी जगह भी चेंज करते जाएंगे। फिर ऊपर इतनी ही जगह बच रही है तो हम सिंपल वी शेप ही बना लेंगे, और वो भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे जो ये उसके आसपास वाला पार्ट है वहाँ पे हम बना लेंगे लाइनिंग्स, एकदम पतली पतली और बारीक। ये हो गया, और आपकी डिज़ाइन थोड़ी बहुत चेंज वो लाइन की वजह से चेंज हो रही है, तो आप फिर से एंड में एक हाथ उस पे फिर से घुमा लीजिए, मतलब कि आपकी मेहंदी फिर से बना लीजिए डिज़ाइन, जिससे जो आपका लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वगैरह वगैरह वो सब क्लियर हो जाएगा, और इससे आपकी शेप परफेक्शन भी हो जाएगा। जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं अब एक ले रही हूँ एक लाइन। अब कर्व हमारा थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और अब यहाँ पे तो ये कर्व खत्म ही हो गया है समझो। ओके, ये हो गया है। फिर अब हम ऐसे तीन लाइंस बना लेंगे, और बाकी का जो ये पार्ट है वहाँ पे हम इस तरह से डॉट बना के नीचे की ओर। एक वेल जैसा हम बना लेंगे। अब ये जो थंब है वहाँ पे हम बनाएंगे चेक्स। ठीक है, तो चेक्स यहाँ पे थोड़ा अलग लेंगे हम, और अलग लेते हुए मैं दो दो लाइंस एक साथ ले रही हूँ थोड़े थोड़े गैप पे।
और ये जो हमारा जो शेप बन रहा है उसको हम फिल कर लेंगे और लाइंस का गैप मैनेज करेंगे। आप इसमें कुछ और फिलिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर ये करने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये आप सब फिंगर्स पे करोगे तो भी अच्छा लगेगा, और दूसरी फिंगर्स पे कुछ और करना चाहो जो मैं दिखा रही हूँ वो भी चलेगा, और उसके अलावा अपने हिसाब से भी कुछ और करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। बस आपको इसका परफेक्शन बहुत ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, फिर ये जो हमारा पार्ट है वहाँ पे हम डॉट बना के थोड़ा टेढ़ा स्लांट लाइन जैसा खींचेंगे। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और ये जो हमने बॉर्डर पहले बनाई थी उसको फिल करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये करने से बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अब ये जो मैंगो है उसमें आप चाहो तो एक से फिलिंग कर से हो सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। एक मैंगो में किया वो एक मैंगो छोड़ के दूसरे मैंगो में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाले मैंगो में डॉट और लाइन। फिर ये वाली मैंगो में चेक्स, एकदम हल्की हल्की चेक्स लेंगे जो निकलने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि आसपास की बॉर्डर हमने डार्क की है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट और चेक्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो सब मैंगोज में अलग अलग डिजाइन्स ले सकते हो। चेक्स में अलग अलग चेक्स भी ले सकते हो, वैसा भी आप बना सकते हो, वो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। और फर्स्ट फिंगर पे हम यहाँ पे इस तरह से पहले बॉर्डर बना लेंगे और फिर यहाँ पे भी दूसरी मैंगो ही बना लेंगे। ओके, और ये वाली मैंगो पे हम सिंपल शेडिंग ही कर लेंगे। आप कुछ और करना चाहो इसमें तो भी आप कर सकते हो। और बाकी जो ये फिंगर्स है उसमें मैं ये जो भी मैंने भी ये मेन जो लिया था शेप वही ले रही हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसा सिंपल प्लेन भी छोड़ सकते हो, एक फील और एक सिंपल प्लेन वैसे भी बना सकते हो अपने तरीके से। कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें मैंने कर्व शेप ज़्यादा लिया है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलो, शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।